नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको ट्रैक्टरों की हाइड्रोलिक में प्रयोग होने वाले ट्रांसपोर्ट लॉक, ट्रेवल लॉक या फिर आपका मोर सेलेक्टर, रिस्पांस वाल्व या सिंपल सा बोलें कि हाइड्रोलिक लॉक के बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूंगा। ये देखिए, आइए। अधिकतर ट्रैक्टरों में डिस्ट्रीब्यूटर में एक ट्रांसपोर्ट लॉक रहता है। ट्रांसपोर्ट लॉक का मतलब ये होता है कि कोई एम्प्लीमेंट को जब हमें कहीं हैवी एम्प्लीमेंट को जब हमें कहीं ट्रांसपोर्ट लेके जाना हो, कहीं फील्ड में लेके जाना हो, उसके लिए हम लोग इस ट्रांसपोर्ट लॉक या हाइड्रोलिक लॉक का प्रयोग करते हैं। यह हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट लॉक है। इसमें ही एक फीचर और आता है कि ट्रांसपोर्ट लॉक के साथ जब हमें एम्प्लीमेंट को कितनी तेज़ी से नीचे गिराना है वो इसमें भी ऑप्शन होता है। अब हम लोग ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी आइए, ट्रांसपोर्ट लॉक ये है हमारे पास। अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करवाते हैं। ट्रैक्टर को हमने यहाँ स्टार्ट करवाया। पोजीशन कंट्रोल लीवर से हम लोग लिफ्ट आर्म को ऊपर उठाते हैं। ये देखिए, लिफ्ट आर्म हमारी ऊपर उठ रही है। आप इधर पीछे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये लिफ्ट आर्म हमारी पूरी हो गई। लिफ्ट आर्म पूरा होने का मतलब होता है रैम सिलेंडर के अंदर ऑयल हमारा ट्रैप भरा गया है। अब जब एम्प्लीमेंट हमें फील्ड में लेके जाना हो, हैवी एम्प्लीमेंट फील्ड में लेके जाना हो, तो हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। या इसलिए करते हैं हम लोग इसे लॉक कि सडनली ये नीचे ना गिरे और हमारे एम्प्लीमेंट की टूट फूट ना हो। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस ट्रांसपोर्ट लॉक को लॉक करते हैं। आइए देखें कैसे लॉक करते हैं। इस ट्रांसपोर्ट लॉक को हम लोग पूरा अभी लॉक कर रहे हैं। देखिए, इस लॉक पर हम लोग इसको घुमा रहे हैं और ये हमारा ट्रांसपोर्ट लॉक टाइट। इस कंडीशन में हमारी लिफ्ट आर्म हमेशा अप कंडीशन में ही रहेगी। और हम जब लीवरों को डाउन करते हैं, देखिए लीवरों को हमने डाउन कर दिया, दोनों लीवरों को हमने डाउन कर दिया, उसके बाद भी हमारी लिफ्ट आर्म डाउन नहीं हुई। अब हम इसे जब धीरे धीरे खोलते हैं तो ये स्लो स्लो नीचे आता है। स्लो और फास्ट दोनों इसमें हमें पोजीशन मिलती है। देखिए, स्लो खोलते हैं हम लोग इसे, ये देखिए धीरे धीरे आएगा। ये देखिए स्लो आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। आप सडनली पूरा खोल देंगे तो बहुत तेजी से आएगा। पूरा खोलिए। तो इसकी सहायता से हम लोग हाइड्रोलिक के एम्प्लीमेंट के गिरने की दर भी जमीन में सेट कर सकते हैं। स्लो कैसे होता है वो देखेंगे हम। आइए, डिस्चार्ज को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बहुत स्लो होगा और एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो ये देखिए ये स्लो धीरे धीरे गिरना और फास्ट गिरना मतलब ये अपोजिट। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।